जयति जटा शंकर प्रभु शिव तुम्हारे परम दयालु है प्रभु शिव शंकर त्रिपुरार हर कल्प कल्प में आने कर लिए विविध शंकर भगवान हालांकि आदि देव माने जाते हैं लेकिन शंकर भगवान ने भी किन किन रूपों में अवतार लिया है देखिएगा विभिन्न कल्पों की बात बता रहा हूं मैं विभिन्न कल्पों में कैसे अवतार लिया है दादा फिल्म बहुत पुरानी है कि कजरा मोहब्बत वाला कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला कजरे ने ले ली मेरी जान कजरे ने ले ली मेरी जान हाय रे मैं तेरे कुर्बान चलते हैं हर करके मंथन जो निकाला करके मंथन जो निकाला पी गए वो बिस्का प्याला करके मंथन जो निकाला पी गए वो बिस्का प्याला और करने को जग का बेड़ा पार करने को जग का बेड़ा पार हर नील कंठ हो गए त्रिपुरा जहो जहो नील कंठ हो गए त्रिपुरा को फिर के विश्व का विश सिंधु पी जाए मगर हिचकी न आए जो जो धरा का भार कंधों पर उठाए बांट दे जग को न अमृत बूंद अधरों से लगाए है जरूरत आज ऐसे देवता की विश्व को फिर सुखा विश सिंधु पी जाए मगर हिचकी नहीं ऐसे हमारे भोलेनाथ हैं कैसे हर करने को जग का बेड़ा पार नील कंठ हो गए कैसे कैसे अवतार लिए भोलेनाथ ने अलग अलग कल्पों में युग एक ही है विशेषता यह है गीत की कि युग एक है प्रत्येक कल्प का वही विशेष युग द्वापर कल्प अलग अलग
लेकिन युग द्वापर मैं ही अवतार लिया उन्होंने। कैसे देखिएगा, एक बार ब्रह्मा बैठे ध्यान कर, एक बार ब्रह्मा बैठे शिव जी का ध्यान करने, तो सारे जगत का विधिवत पावन कल्याण करने। ऐसे नहीं, जगत का कल्याण करने के उद्देश्य से बैठे, उनका ध्यान किया उन्होंने तो हुआ क्या, सारे जगत का विधिवल पावन कल्याण करने। प्रगटे उस क्षण त्रिपुरारी, जब ब्रह्मा ध्यान कर रहे थे शंकर भगवान का, तब प्रगटे उस क्षण त्रिपुरारी विधि का सम्मान करने। प्रगट हुए शंकर भगवान, विधाता ने चूंकि उनका वंदन किया, उनकी तपस्या की, तो शंकर भगवान प्रगट होते हैं। कैसे रूप में होते हैं प्रगट, विशेषता यह है, अब देखिएगा। प्रगटे उस क्षण त्रिपुरारी विधि का सम्मान करने, तो देखा सुंदर सा लाला। एक छोटे से बालक के रूप में प्रगट हुए शंकर भगवान, ब्रह्मा ने देखा, क्या देख रहे हैं ब्रह्मा, देखा सुंदर सा लाला श्वेत रंग चोटी वाला, देखा सुंदर सा लाला श्वेत रंग चोटी वाला। अकेले शंकर भगवान नहीं, एक बालक देखा उन्होंने ब्रह्मा जी ने, तो श्वेत रंग का है और श्वेत चोटी वाला है, लेकिन साथ श्वेत रंग के ललन चार। अकेले शंकर भगवान को भी नहीं, चार ललन और साथ में देखे ब्रह्मा जी ने, तो देखा सुंदर सा लाला श्वेत रंग चोटी वाला, साथ श्वेत रंग के ललन चार, तो श्वेत रंग हो गए त्रिपुरा। श्वेत रंग में उतरित हुए हैं, श्वेत रंग हो गए त्रिपुरा। कल्प था श्वेत लोहित कल्प, जिस कल्प में भगवान ने अवतार लिया शंकर भगवान ने, वो कल्प था श्वेत लोहित कल्प, और सद्योजात रुद्र के रूप में अवतरित हुए भगवान। दूसरी बात रक्त कल्प की बता रहा हूं, आर्य ब्रह्मा के गोरे तन का हुआ लाल है, लगे आस में तप करने के पांव एक लाल है। ब्रह्मा जी ने फिर तपस्या की रक्त कल्प में, युग द्वापर ही मिलेगा, लगे आस में तप करने पांव एक लाल है, तब प्रगटे शिव लाल बनकर, प्रगटे शिव लाल बनकर मिटाने मलाल है। प्रकट हो गए शंकर भगवान, प्रगटे शिव लाल बनकर मिटाने मलाल है, तब देखा है रूप निराला लाल रंग का वो लाल। पहले श्वेत रंग का था,
अब जो प्रकट हुआ है लाल, वो लाल रंग का वो लाला, देखा है रूप निराला, और साथ लाल रंग के ललन चार। यहां भी अकेले नहीं, उनके साथ में चार पुत्र और हैं छोटे छोटे लाल, और वो भी उन्हीं के रंग के हैं, लाल रंग के। तो साथ लाल रंग के ललन चार, तो लाल रंग हो गए त्रिपुरा। गीत को यहीं पर समाप्त करूंगा। ये रक्तकल्प की बात बताई मैंने, और जो उनका रूप था वो था वामदेव रुद्र। अब शिव कल्प की ओर चलते हैं, युग द्वापर ही मिलेगा। शिव कल्प आया जग में सुख का आसार लेके, शिव कल्प आया जग में सुख का आसार लेके, ब्रह्मा जी तप में बैठे शिव का आधार ले, प्रगटे तब शिव जी काला तन वो साकार लेके, प्रगटे तब शिव जी काला तन वो साकार लेके, जनज देखा अद्भुत लाला। विशेषता ये कि ब्रह्मा जी ने ही हर बार उस लाला के दर्शन किए। क्या जनज देखा अद्भुत लाला, जिसके तन का रंग काला, जनज देखा अद्भुत लाला, जिसके रंग का तन काला, और साथ श्याम रंग के ललन चार। फिर से चार ललन, लेकिन वो जैसे भगवान शंकर का रंग श्याम हुआ, वैसे ही उन चार लालों का रंग भी श्याम हुआ। तो साथ श्याम रंग के ललन चार, तो श्याम रंग हो गए त्रिपुरा, नीलकंठ हो गए त्रिपुरा, श्वेत रंग हो गए त्रिपुरा, लाल रंग हो गए त्रिपुरा, श्याम रंग हो गए त्रिपुरा।